नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है। रेलवे सुरक्षा बल की सक्रियता से अपराधों पर काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। आरपीएफ इंस्पेक्टर बीके सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां पहले की भांति अब तक आपराधिक गतिविधियों में काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है और इसके लिए समय समय पर उनके नेतृत्व में रेलवे पुलिस प्लेटफॉर्म के अलावा रेलवे स्टेशन परिसर सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर गश्त करती रहती है। उन्होंने कहा कि जो सूचना नशेड़ियों से संबंधित आ रही है उसके लिए भी आरपीएफ टीम बनाकर कार्यवाही करती रहती है और यह कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने माना कि रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र अवैध नशे के कारोबार से प्रभावित है, इसके लिए स्थानीय पुलिस भी सक्रियता से काम कर रही है और इस पर भी काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। साथ ही रेलवे पुलिस भी जल्द ही विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएगी। लालकुआ से जीवन पांडे की रिपोर्ट। आपका प्रश्न अच्छा था। ये भी 2019 में हमने कुल मिलाकर के 760 लोगों के विरुद्ध रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करी है और निरंतर इस पर अभियान जारी रहता है हमारा। और जहाँ तक ये नशे की बात आप कर रहे हैं तो ये पूरा इलाका जो है इसकी चपेट में आया हुआ है। पुलिस भी अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर और हमारे इलाके में भी हमें जब भी ऐसा कुछ प्रकाश में आता है तो चूँकि ये जो नशेड़ी किस्म के व्यक्ति जो हैं ये केवल अपने निजी उपयोग के लिए ही नशा करते हैं तो इस पर NDPS एक्ट वगैरह लगाना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो रेलवे एक्ट के ऑफेंसेज जो होते हैं, ट्रेसपास करना या धूम्रपान करना, इन एक्ट में ही हम उनको कर पाते हैं क्योंकि मुकदमा करने के लिए बाध्यताएँ होती हैं कि उनको कमर्शियल क्वान्टिटी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई प्रकाश में नहीं आया है जो कमर्शियल क्वान्टिटी लेकर के घूमता हुआ यहाँ पर पाया गया। ऐसा एक वाक्य पिछले साल हुआ था जिसमें हम लोगों ने 25 किलो डोडा बरामद किया था। तो अगर ऐसा कोई प्रकाश में आएगा कि कोई कमर्शियल क्वांटिटी लेकर के इस इलाके में आ रहा है उस पर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे और हम निरंतर इस तरह के अभियान चलाते रहते हैं रेल फर्ट क्षेत्र में। चूँकि इलाका पूरा खुला हुआ है, चारों तरफ से लोगों का प्रवेश होता है और रेल का काफ़ी क्षेत्र अतिक्रमित है, थोड़ी समस्याएँ यहाँ पर आती हैं, लेकिन हमारा अभियान जारी।